सो स्टूडेंट्स, हम प्रेपोजिशंस की बात कर रहे थे। देखिए, इस चैप्टर में हम आपको आफ्टर और बिफोर, आफ्टर मींस बाद में या पीछे, दो मीनिंग होता है। बिफोर मींस पहले या सामने। तो हम बिफोर के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे द मैन हुम आई वॉज लुकिंग फॉर, वो आदमी जिसको मैं ढूंढ रहा था। लुक फॉर, लुकिंग फॉर मींस ढूंढना, फाउंड माने पाया, बिफोर माने सामने, मी इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, उसको मैंने अगले 10 मिनट में अपने सामने पाया। तो यहां सामने के सेंस में इसका यूज हो गया। वी रीच्ड एट द डेस्टिनेशन, हम डेस्टिनेशन पर पहुंचे। बिफोर आवर राइवल्स, राइवल्स माने प्रतिद्वंदी, जो हमारे प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, राइट, कंटेंडर्स, हमारे विरोधी। तो हम अपने विरोधियों से पहले डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। द चिल्ड्रन रीच्ड द स्कूल बिफोर 6 in the morning, 6 बजे से पहले ही बच्चे स्कूल पहुंच गए। तो देखिए, पहले या सामने, दोनों सेंस में इसका यूज होता है। अभी हम आगे बात करें इसकी, आफ्टर की। तो देखिए, आफ्टर को भी कुछ इसी तरह से यूज किया जाता है। आफ्टर में क्या है, बाद में या पीछे, जैसे पीछे के सेंस में द पुलिस रन आफ्टर, रन का सेकंड फॉर्म रन, दौड़ी, आफ्टर द थीफ, थीफ माने चोर, यानी कि पुलिस चोर के पीछे दौड़ी। ओके, ही वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू, यू ई, क्यू माने पंक्ति। जैसे किसी मूवी में टिकट लेने के लिए पंक्ति में खड़े होंगे, हुए होंगे आप कभी, अवश्य ही खड़े होंगे, है ना, मुस्कुराना नहीं है, दैट इज ट्रूथ। ही वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू बिफोर अस, वह पंक्ति में हमसे पहले खड़ा हुआ था। ही वॉज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ था या खड़ा हो रहा था। ओके, बिफोर अस। अब इसको आफ्टर के सेंस में लेंगे तो ही वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू आफ्टर अस, वो हमारे बाद में खड़ा हुआ था। ओके, तो यहां बाद में और यहां पीछे, यहां का सेंस है पीछे, यानी पुलिस चोर के पीछे दौड़ी, और यहां पर वो बाद में, यहां पर आफ्टर का मतलब है बाद में खड़ा हुआ था लाइन में। ओके, ऐसे ही ये बिफोर का यूज हो जाता है। तो आफ्टर, अब दोनों सेंस में हमने आफ्टर और बिफोर का यूज कर लिया है। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है, दैट इज अबव एंड बिलो। देखिए, अबव माने होता है ऊपर। अब इसमें स्टेटस दर्शाने के लिए भी अबव का यूज होता है, और कोई चीज सेम सरफेस पे, जैसे ये एक सरफेस है, ऐसे दीवार मान लीजिए, तो इस दीवार पर, इसके ऊपर ये पैरेट है, तो ये पैरेट इज अबव द बोर्ड एंड बोर्ड इज बिलो द पैरेट, यानी कि एक ही सरफेस पे जो चीज एक चीज के ऊपर है दैट इज अबव, और जो इसके नीचे है दैट इज बिलो। अंडरस्टूड? तो व्हेन देयर इज समथिंग अबव अनादर थिंग ऑन सेम सरफेस, सरफेस माने होता है, आप समझ गए होंगे, सरफेस माने होता है सतह। तो देखिए,
अब देखिए पानी में जो ऊपर तैर रहा है तो अबव द वॉटर बिलो द वॉटर, ओके। इस दीवार पर अबव द बोर्ड एंड बिलो द पैरट, ये पैरट यहां इस बोर्ड से ऊपर है। तो देखिए द पैरट वॉज अबव द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड ऑन द वॉल। यहां पर हमने दीवार को दिखा दिया, यानी दीवार पर पैरट जो था वो व्हाइट बोर्ड से ऊपर था। और देखिए द व्हाइट बोर्ड वॉज बिलो द पैरट ऑन द वॉल, यानी कि व्हाइट बोर्ड पैरट से वॉल पर नीचे था, यानी इसी वॉल पर इस पैरट से नीचे, इस पैरट से नीचे है ये व्हाइट बोर्ड। तो देखिए बिलो और अबव का यूज इस तरह से होता है। अब देखिए तो अबव एंड बिलो, ओके। नेक्स्ट बिलो के सेंस में एक और वर्ड आ जाता है अंडर और ओवर, ये भी दो प्रीपोजिशंस हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। यानी सेम सरफेस पे एक चीज ऊपर है तो अबव, दूसरी नीचे है तो बिलो। अब देखिए अबव बिलो का एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 3। द स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ मीन्स भूसा, चारा, भैंस का खाने का जो भूसा होता है। द स्ट्रॉ वॉज फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग अबव द वॉटर सरफेस, ओके। पानी के ऊपरी सतह पर भूसा तैर रहा था। अब देखिए और नंबर 4, द स्टोन, द मैन और द डाइवर, जो डाइवर होते हैं, डाइव करने वाले जो गोताखोर होते हैं, तो डाइवर अक्सर पानी के नीचे निचली सतह पर तैरते हैं। तो द डाइवर्स वर बिलो दी वॉटर सरफेस, वॉटर सरफेस, यानी को वो पानी की सतह से नीचे थे, ओके। और द डाइवर्स वर स्विमिंग बिलो द वॉटर सरफेस, या स्विमिंग आ सकता है, तैर रहे थे। तो अबव बिलो, अबव और बिलो का यूज ऐसे भी होता है। अब हम अंडर और ओवर की बात करेंगे, अंडर और ओवर की बात करेंगे। तो देखिए अंडर और ओवर को किस तरह से दर्शाते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, अंडर, अंडर व्हेन समथिंग इज बिलो सम अनदर थिंग एंड नॉट टचिंग टू इट, कोई चीज तुम्हारे ऊपर है लेकिन वो तुमसे टच नहीं कर रही है, तो तुम उसके अंदर हो और वो तुम्हारे ओवर है, राइट। जैसे द फैन आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, स्लीप में आईएनजी लग गया, सो रहा, वॉज माने था, पास्ट टेंस, मैं था सो रहा, आई वॉज स्लीपिंग अंडर द फैन, मैं पंखे के नीचे सो रहा था। अब देखिए मैं पंखे के नीचे था, तो फैन का रिलेशन, ये जो प्रीपोजिशन है, इस फैन का रिलेशन आई से बता रहा है, यही प्रीपोजिशन होती है। तो देखिए अब अबव कैसे यूज होगा, द फैन वॉज मूविंग
ओवर माय हेड, यहां ओवर आ गया, पंखा मेरे सर के ऊपर चल रहा था, ओके, अंडर एंड ओवर, ये है डिफरेंस। कोई चीज ऊपर है लेकिन वो टच नहीं हो रही है तो ओवर, और कोई चीज किसी चीज के नीचे है लेकिन वो टच नहीं हो रही है तो वो अंडर, ओके। अब देखिए इसको पोजीशन दर्शाने के लिए भी यूज होता है, रमेश वर्क्स अंडर माय सुपरविजन, माय सुपरविजन। अब देखिए मेरी सुपरविजन के अंदर में काम करता है रमेश, ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से अंडर और ओवर का यूज होता है। ये है प्रीपोजिशंस जो हमने बताई आपको, अंडर, अबव, बिलो, ओवर, दीज वर द प्रीपोजिशंस एंड यूज्ड इन डिफरेंट वेज। अब देखिए एक और प्रीपोजिशंस के बारे में बताते हैं, हमने इसमें आपको अंडर और ओवर दोनों बता दिए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये प्रीपोजिशंस मैंने आपको बता दिए हैं, इसके साथ ही हम ये वीडियो का एंड करते हैं। आप प्लीज वीडियो देखें, पूरा देखें, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव वॉच्ड आवर वीडियोस, हजारों लोगों ने वीडियोस देखे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो शायद कुछ प्रॉब्लम या कुछ कंफ्यूजन है कि शायद कंटेंट अच्छा नहीं लगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप पूरा कंटेंट देखें, आपको अच्छा लगेगा और वो हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।